निवास अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग इतने बूथ के हमारे साथी आए हैं और जितने जोन और सेक्टर के हमारे प्रभारी हैं, मैं सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। साथियों, आप लोगों के परम मेहनत और लगन के साथ इस कामयाबी को हासिल करने में हम सब मिलकर के कामयाब हुए हैं। जिन विकट परिस्थितियों में मुकाबला करके आप सब लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी है, ये एक उदाहरण भी है और आगे आने वाले समय के लिए एक रास्ता भी है। आप सब ने देखा कि जिस भारतीय जनता पार्टी अपनी बात बूथ और पन्ना प्रमुखों की करती थी, बहुत से ऐसे बूथ और बहुत से ऐसे सेक्टर थे जहां पर एक वोट, दो वोट, पांच वोट मिले हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पन्ना प्रमुख कहां चले गए? जिस धन बल के भरोसे चंदौली के पूरी संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो शिवपुर की विधानसभा हो, चाहे वो आपका अजगरा विधानसभा हो, चाहे हम चंदौली के तमाम विधानसभाओं के विधायकों को देख लें, जिला पंचायत के अध्यक्ष को देख लें, सभी बाहुबली प्रमुखों को देख लें, तो मैं आपका अभिनंदन और स्वागत इस नाते करना चाहता हूं कि हमारे तमाम पीडीए के साथी उस धन बल के आगे जरा सा नहीं दिखे और उनको मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाबी हासिल की। आप सब लोगों ने देखा कि 27 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अपनी सभा करके किसी अन्यत्र जगह के लिए गए, उस सभा के बाद हमारे गृह मंत्री ने अजगरा विधानसभा में आर क्षेत्र में मीटिंग की। जब उस मीटिंग में जब जनता ने उसको नकार दिया उनको, और भीड़ जुटने में कामयाब नहीं हो पाए, तो उन्होंने पूरी ताकत प्रशासन के ऊपर लगा दी और आज हम सब 40 साल से राजनीतिक जीवन में चुनाव लड़ भी रहे हैं और लड़ा भी रहे हैं, लेकिन जितना दबाव हमारे प्रधान साथियों के ऊपर ये सरकार डाल रही थी पीडीसी के सदस्यों पर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के हमारी टीचर, हमारी आशा बहने, प्रधान, बीडीसी के सदस्य, हमारे प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके सभी विधायक और उनके विधायक साथियों के साथ जितने बाहुबली ठेकेदार थे, सब लोगों ने चंदौली क्षेत्र में उतर करके नंगा नाच किया, लेकिन आपने खामोशी के साथ उनके सारे कुकृत्यों का जवाब अपने वोट से दे करके उनको चित कर दिया। साथियों, इसलिए मैं आपका आभार जब इस देश में अंग्रेज जो अत्याचार के पर्याय थे, बात बात में लाठी डंडा बंदूकें चलाते थे, हमारे देश के महान सपूतों ने उन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया और जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था उनके सूर्य को अस्त करके
लाठी लक्कड़ लेकर के टहरने वाले, लोहा लक्कड़ लेके लेकर के धमकाने वाले लोग कितने दिनों के मेहमान हैं। ये सत्ता के लोग हैं। आज सत्ता समाजवादी की आ जाएगी तो आज समाजवादी के पीछे दुम हिलाते हुए आपको दिखाई देंगे साथियों। इस बात का कभी आप लोग इस बात का हमेशा याद रखिए। जब से हम लोग 37 साथी लोकसभा में जीत के गए हैं तो तमाम बाहुबलियों ने लाइन लगा लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ कि उनको कहीं जगह मिल जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने भी कह दिया और वो भी कह दिए कि बिना सोचे समझे किसी बाहुबली को फटकने न मत देना और इस बार का चुनाव हम लोग अपने गरीब समाज के जो है पीडीए के बल पर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनको अपने पार्टी के साथ फटकने भी नहीं देने की जरूरत है साथ। मैं आभारी हूँ अपने कार्यकर्ताओं का जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके आह्वान में जिस तरीके से बूथों पर हमारे कमजोर समाज के लोगों को जोड़ा, उनको साथ लिया, उनका भरोसा लेने में कामयाबी हासिल की। ये उसी पीडीए की उसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच का परिणाम है कि लगातार 2009 के बाद से जिस चुनाव को हम अजगरा विधानसभा में लूज कर रहे थे उस चुनाव को हम लोग जीतने में कामयाबी हासिल की। ये कार्यकर्ता एक बार देहात में कहावत है कि 3 महीने के बड़ी मेहनत के बाद हमारे प्रभारी महोदय और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी को भी मैं रोकना चाहता था लेकिन व्यस्तता के भाव में वो चले गए। हम लोगों ने बड़ी महीन छलनी से संगठन के अपने बूथ प्रभारियों का चयन किया गया है साथ। और हमारा संगठन का बूथ प्रभारी जैसे कहा जाता है कि दाई से ढेर नहीं छिपता, वो हमारे बूथ प्रभारी को पूरा मालूम है कि उसके बूथ वालों में कौन सा नट ढीला था और कौन सा नट कसा हुआ था साथ। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, हम लोगों ने बहुत देखा है दुनिया कि जो हमारे मेहनत कस करने वाले वो सम्मान के साथ अपने घर पे बैठे रहते हैं लेकिन जिन्होंने चुनाव में कभी काम नहीं किया धूल के गुलदस्ते लेकर सबसे पहले घर पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नजरें नहीं पहचानती, ये नजरें पहचानती है लेकिन अनुभव और संस्कार इस तरीके से हम लोगों के जीवन में रचा बसा है कि हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं जिन लोगों ने इस चुनाव में किस तरीके की भूमिका अदा की ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो लाठी लगा करके बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जोर जबरदस्ती किए हैं उनको भविष्य में भी माफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, ये चुनाव कई लड़ा चुके हैं। हमारे सुनील सोनकर जी हैं, चुनाव लड़े हैं। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, उनको बीच बीच में मैं टोकता था कि चुनाव यदि लड़ना है तो रिहर्सल कर लीजिए। इस चुनाव में हर बूथ पर आप पहचान बना लीजिए। वो चुनाव दूसरा था सुनील जी, ये चुनाव आने वाला दूसरा होगा। उस समय सुभाषपा आपके साथ थी, 15-16 हजार वोटों का एक थोक वोट आपके साथ जुड़ा हुआ था। इस चुनाव में अकेले आपको समाजवादी से लड़ना है इसलिए उसका भी मार्जिन जोड़ करके जो आप 2,200-300 बता रहे हैं ना, तो सुभाषपा का जोड़ देंगे तो 20,000 से लीड किए हैं। ये समझिए।
प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एकदम लग जाइए, और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं, हम अध्यक्ष जी से भी अपने निवेदन कर रहा हूं कि अभी ताजा ताजा सबके दिमाग में है कि कौन कौन प्रत्याशी, कौन कौन सा कार्यकर्ता हमारा मजबूत साथी है, कौन कौन सा कार्यकर्ता हमारे कसौटी पर खड़ा उतरा है, उसकी पहचान कर लीजिए, नहीं तो याददाश्त भूलते देरी नहीं लगती है। एक बना लीजिए, छटनी से छटौती कर लीजिए, और कर लेने के बाद हर सेक्टर पे अभी से सुनील भाई सेक्टर की मीटिंग अब शुरू कर दी, हमें भी बुलाइए, मुझे भी टाइम मिलेगा तो हर सेक्टर की मीटिंग में आऊंगा। अभी तो मैं प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा था, इसलिए मैं गलतियों पर बहुत टोक नहीं पाता था, अब मैं लड़ाने वाला हूँ, इसलिए जो गलती करेगा उसको सजा भी देने का अधिकार हमको है और उसको ठीक भी करने का अधिकार, इसलिए मेरी नजर से कोई चीज छिपने वाला है नहीं। एक लक्ष्य 2027 में सरकार बनाना, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य में न कोई सगा है मेरा, न कोई संबंधी है मेरा, न कोई नात है मेरा, न कोई रिश्तेदार है मेरा, पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का झंडा सर्वोपरि है, और इस झंडे के को जो है कि और ऊंचाई तक ले जाने के लिए तन मन और धन तीनों से हमें पांचों विधानसभा जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली पे डालना है। और जान लीजिए समागम सबका कर रहे हैं, जो प्रत्याशी अपने को समझता हो कि मैं शिवपुर से लड़ूंगा, जो प्रत्याशी समझता हो कि हम अजगरा से लड़ूंगा, सो प्रत्याशी को लगना पड़ेगा। जब मैं जान जाऊंगा कि आप मेरी सम्मान को बढ़ा देंगे, आप जीत जाएंगे, तो आप ले चल के आपकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रख दूंगा कि ये आदमी बड़ी मेहनत किया है, और नहीं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उस पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जीतना यदि लक्ष्य है तो आप मेहनती हैं, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसको तालमेल बना करके अभी से लयबद्ध तरीके से हाउ चुनाव न हुई, ये बस लयबद्ध तरीके से चुनाव हुई, कैसे पटेल समाज के जोड़ा जाता है, कैसे हम राजभर को जोड़ेंगे, कैसे आप अपने शंकर को जोड़ेंगे, विशेष रूप से हम लोगों को अभी चुनाव जीत जाने दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे हमारी सबसे कमी अगर कहीं है तो हम महिलाओं में अपनी घुसपैठ नहीं बना पा रहे, महिलाओं के अंदर घुसना है, क्योंकि महिलाएं टीवी देखती हैं और महिलाओं के अंदर जो है कि अभी भी कई कई घूम फिर के मोदी दिखाई दे जाते हैं, तो इसलिए उनको समझाने की जरूरत है कि ये मोदी केवल छलावा करता है और देश को ले डूबेगा और देश की बेड़ा जो है गर्व कर देगा साथियों। तो इसलिए आज हम आपके सम्मान के लिए आए हैं, संगठन को मजबूती मेरा लक्ष्य है, मेरा सब सगा है और कोई सगा नहीं, मेरा पार्टी ही सब कुछ है, पार्टी ने जो सम्मान और जो हमको दिया है, हमारे ऊपर भरोसा किया है, उसके लिए मेरा अगर जीवन भी कुर्बान हो जाए तो मैं इस पार्टी को देने के लिए तैयार हूँ, इस पार्टी के साथ जुड़ करके रहिए, जो पार्टी का वफादार साथी है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, वो मेरे लिए बंदनी है, मेरे लिए मेरे सर माथे पे रहेगा, इसलिए हम आप सबका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। और एक बात की खुशी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले बजट सत्र के दौरान बजट सत्र की शुरुआत करनी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 700 जो है सांसदों को बुलाकर पहले वक्ता के रूप में लीड करने के लिए आपके इस सांसद का नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जो प्लेट जो विषय जो है कि सदन के अंदर रखूंगा बजट पे, सारे जो है पार्टी के हमारे जितने भी सांसद हैं उसी विषय की लाइन पर सब लोग चलेंगे,
तो इतना भरोसा हमारे सांसद जो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, और अभी आप लोग तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अरे अभी 6 महीना बीतने दीजिए, फिर करके प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने संगठन पर भरोसा कीजिए और सबको जोड़िए। यही काम जो है समाजवादी अगर सबको जोड़ना शुरू कर दे अपने गांव में, अपने जिसे प्रधानी में जोड़ल है, जिला परिषद में कैसे कोड़ धरल है, लोग धर्म जे रही माई हो, बहन हो, बात चाची हो, अरे बाबा तू कहाँ जात हो, अरे दादा तेरी हमारे हरों ताकल ते हम के आशीर्वाद दे दे, ऐसे ही पर्चियों बदे कर जा तो सब जुड़ जाए। अपने बदे जोड़ा ना ना तो पार्टी बदे भी जोड़िए, पार्टी मजबूत रहेगी तो हमारा सम्मान रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी तो आपका रहेगा। आज हम जीते हैं इसलिए मनोबल हाई है, अगर यही हम हारते तो कहीं मुंह छिपाते हुए घूमते साथियों, कहीं मुंह दिखाने लायक कम लोग रहते। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह छिपाकर भागते हैं और कोई सामने से आपका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता है साथी। इन बाहुबलियों की चिंता मत कीजिए, ये तो बाहुबली भेड़ के खाल मन शेर के खाल में भेड़िया है, ये गरीबों को खाली हड़काते हैं, वो अमीरन से महाराज महंगाई उमरा हालत है। तो इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इनसे डट के मुकाबला करने की जरूरत है। अब आपका भाई आपके साथ है और हर कदम पर आपके सुख दुख में हम साथ रहेंगे। हम आपके बीच में देर से आए इसलिए हम क्षमा चाहते हैं सभी साथियों से, क्योंकि बीच में सदन चल गया था। अभी जानते ही है कि जो दूर के साथी थे अभी आपके हाथ में मान लीजिए गाहे बगाहे मिल भी जाते थे, लेकिन हमारा सैयद राजा था, मुगल सरा था, हमारा जो है सेकंड निहार था, तो हमने पहले उन लोगों को बिहार देना चाहा कि भाई आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, ये तो मेरा घर है, शिवपुर में घर है और तोरे यहाँ पर घर ही में बड़ी सबके साथे, तो घर है तो थोड़ा देर से आए देखने में क्षमा के लिए सब लोग और सब लोग मिल करके बढ़िया से काम कीजिए। भाई महाशंकर जो है प्रिंसिपल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे संस्कृति प्रकोष्ठ के सभी साथी हैं और सब साथियों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग सांस्कृतिक गीत गावे जरूर, लेकिन आपन बूथ जरूर देखें, हम सबका बूथ दिख ले और साहु कहे कई बार कहे जनवान तुरे कपर तुरे समान में आ। अरे हम यार इंगित ना करते तारीफ भी तो सब लोग हैं हमारे, देखिए चौहान समाज के साथी हैं, हमारा सबसे प्रिय रामधनी तो हरिया है, लेकिन वो जरियारी वाला प्रधान नहीं दिखा काम सभा जब से आ रही तब से कोरोना लेकर बताइए ये सब है। मारे प्रधान जी चौहान समाज ने बड़ी दिलेरी के साथ और मान सम्मान स्वाभिमान रखा है, पीडीए के साथ जुड़ा है और पीडीए के साथ जुड़ने पर मैं चौहान समाज का खैर मकदम करता हूँ, हमारे करोधिया समाज का भी खैर मकदम करता हूँ, हमारे तमाम अधिक पिछड़े समाज के वीर बंसी से लेकर के जितने हमारे साथी हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज के जो भाई हैं वो एक एक वोट डाल करके जिस मुस्तैदी के साथ
इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जो उन्होंने आवाज बुलंद की है, मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बारी को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग थोड़ा जो है धैर्य रखिए और जो छूट गया हो, जिसका हम सम्मान नहीं कर पाए हों,